हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेंगलोर का काला एरिया दिखाऊंगा, जिसे कोरमंगला कहा जाता है। तो यह बेंगलोर के बीचों बीच स्थित है और कोरमंगला के आसपास बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स एंड बहुत बड़ी हाईटेक कंपनियां मिलेंगी, आईटी कंपनियां। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी हब बेंगलोर को कहा जाता है। तो कोरमंगला जो कि मेरे हिसाब से काला एरिया है, और इसे काला एरिया क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ काला एरिया, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप बेंगलोर की नाइट लाइफ देखना चाहते हैं, नाइट क्लब्स, पब एंड ऐसी लड़कियों को देखना चाहते हैं, तो बेंगलोर के कोरमंगला एरिया में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पब, नाइट क्लब्स एंड बार हैं, जो कि रात होते ही ओपन हो जाते हैं और आपके मज़े करने की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए आगे चल के मैं यहाँ पे जो पब हैं उनको दिखाता हूँ। कुछ लोग इन्हें नाइट क्लब भी बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ये नाइट क्लब नहीं है। और ये काला एरिया क्यों है, क्योंकि रात होते ही जितने स्टूडेंट होते हैं, जितने लोग आउटसाइडर्स होते हैं, वो यहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं एंड पब, बार या फिर नाइट क्लब जो भी कहो, उनमें आके मस्तियाँ करने लगती हैं। ये है बोहो, जो कि बहुत ही फेमस है, बोहो नाइट क्लब या फिर ये बोल सकते हैं बोहो पब कोरमंगला बेंगलोर। इसका वीडियो, अगर अंदर का वीडियो चाहिए आपको, कितनी एंट्री फीस है, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आगे चल के इस स्ट्रीट को दिखा देता हूँ, कोरमंगला स्ट्रीट, जिससे आपको बेंगलोर की नाइट लाइफ के बारे में पता चलेगा। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन आप आवाज़ सुनकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रात में कैसा माहौल रहता है। तो नाइट लाइफ ऑफ कोरमंगला, नाइट लाइफ ऑफ बेंगलोर अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको इस एरिया में ज़रूर आना चाहिए। और इस एरिया में आपको सारे एडल्ट ही मिलेंगे, आपको अंकल टाइप के लोग तो बहुत कम ही दिखने वाले हैं। तो सभी 20 प्लस एंड बिलो 35 ही यहाँ पर दिखने वाले हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये है काला एरिया मेरे हिसाब से। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आके बर्बाद भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब मिलता है इनको और इन्जॉय भी करते हैं। तो एक लेवल में इन्जॉय करना ठीक है, लेकिन एक लेवल से ऊपर जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होते भी हैं बेंगलोर आके लोग, मैंने देखा भी है, इसीलिए मैंने बोला बेंगलोर का काला एरिया जिसे कोरमंगला कहा जाता है। यह है ड्रंकन डैडी, ये भी बहुत फेमस है, ड्रंकन डैडी भी, जो कि एक नाइट क्लब या यह बोल सकते हैं कि ये पब है, जो कि बोहो जैसे ये भी फेमस है। तो अगर आपको इसके अंदर का वीडियो चाहिए, तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।